क्या सरब को पता चल गया है असली कातिल, क्या वो बताएगा महक को, आइए जानने के लिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं देवाची और आप देख रहे हैं सिनेस्पीक। तो हम आपको देते हैं छोटी सरदारनी से रिलेटेड कुछ बड़े अपडेट। तो जैसा कि हमने देखा था, महर और सरब जो है वो एक्सीडेंट का सच ढूंढ रहे हैं, वो काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं। और उसी के साथ साथ कुलवंत जो है, एक प्रूफ मिला है सरब को कि जो कुलवंत है वो ही एक्सीडेंट के पीछे है। और ये सरब को जो प्रूफ मिला है तो वो काफ़ी शॉक हो गया ऑब्वियसली। उसी के साथ साथ जब सरब घर वापस आता है तो महर उसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती है कि उसे ऐसा कुछ मिला प्रूफ या तो फिर ये देखने को हमें मिलेगा कि क्या सरब उसे सच बताएगा या नहीं। सरब अच्छे से जानता है कि अगर वो महर को सच बताएगा तो वो अपनी माँ कुलवंत कौर को जेल भिजवा देगी। और इसी के साथ साथ महर और उसकी माँ का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ख़राब पड़ेगा। और हम ये भी देखेंगे कि सरब बहुत मतलब कॉन्फ्लिक्शन में होते हैं कि क्या उसे सच बताना चाहिए। उसी के साथ साथ कुलवंत कौर जो है वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, उसे जेल नहीं जाना। कुलवंत पहले भी अपने लड़कों से बात करते हुए नजर आई थी कि वो जो है ट्रक जो कि एक्सीडेंट का मेन प्रूफ था वो उसे जला चुकी है एंड अब किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और कुलवंत पहले भी बोल चुकी है कि वो हर चीज़ करेगी जिससे वो खुद को बचा सके। तो क्या सरब बताएगा महर को सच या फिर क्या करेगा आगे सरब, आप अपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। एंड दैट्स इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया एंड ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।